हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ जो भी एग्ज़ाम अगर दिला रहे हो, चाहे जैसे आपको PSC का हो, चाहे आपका आप असाइनमेंट्स के लिए तैयारी करें, व्यापम की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बजट से भी क्वेश्चन लिया गया है, तो बजट में क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी मैं इंक्लूड किया हूँ। तो हम लगभग 10 तारीख में कवर करा चुका हूँ, तो या फिर 11 से 14 मार्च तक के कवर कराएंगे, फिर 15 से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो 11 से आपका 10 से आपके 14 मार्च से 11 से 14 मार्च तक के यहाँ पे करंट अफेयर्स हम कवर करा रहे हैं। तो हम डेली बेस पे करंट जो भी पढ़ते, जो आपके इंटरनेशनल लिस्नर करंट अफेयर्स है तो उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। जो आपके यहाँ से कोई भी अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछता है तो आपके यहाँ से सब बनने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, माननीय जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2676 करोड़ रुपये और समाज कल्याण विभाग हेतु कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तो 1125 करोड़ रुपये। तो इसको डाटा को याद रखिएगा जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट कब प्रस्तुत किया है, तो 6 मार्च को यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। तो इसमें से जो हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी, इन्होंने बजट में महिला और आपके बाल विकास विभाग में लगभग 2676 करोड़ रुपये, ये आपके कौन से विभाग में इसको दिया गया है, तो आपके महिला और बाल विकास विभाग में 2676 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग में ये आपके दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, 2676 करोड़ महिला और बाल विकास विभाग और आपके समाज कल्याण विभाग में आपके जनता के लिए इसको लगाया गया है। तो इसको याद रखिए। विभाग में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी विभाग में 2676 करोड़ रुपये लगाया गया, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऐसे करके दिया रहेगा। तो ऑप्शन ऐसे टाइप के दिए रहेंगे, तो याद रखिएगा। और इसके बाद टोटल यहाँ पे देखें तो समाज कल्याण विभाग है तो कितने करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है, तो इसमें लगभग इसमें 1125 करोड़ रुपये जो है आपके समाज कल्याण विभाग में लगाए गए हैं, बाकी जो 2676 जो करोड़ रुपये है आपके महिला और बाल विकास विभाग में इसको लगाया गया। तो इसको डाटा को याद करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा या PDF में इसको हाईलाइट कर दूंगा, तो इसको याद रखिए। 2676 जो करोड़ रुपये आपके महिला और बाल विकास विभाग में लगाया जाएगा, और आपके समाज कल्याण विभाग में 1125 करोड़ रुपये आपके समाज कल्याण विभाग में इसको लगाया जाते हैं। ये जो दोनों फैक्ट बातें इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तो कितने का प्रावधान किया गया है, इसमें 8 करोड़। तो लगभग ये आपका जो कौन से योजना के लिए, तो छत्तीसगढ़ में जो बजट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके जो जितने भी बच्चे हैं जिनकी जो बेटी वगैरह है तो खास करके उनको लिए हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कितने करोड़ रुपये प्रावधान किया है, तो 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ये आपके शिक्षक के लिए, शिक्षा विभाग के लिए इसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार करने की घोषणा बजट की है, तो इसको 50,000 याद रखिएगा। पहले इसमें जो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह जो योजना के अंतर्गत जो अंतर्गत दी जाने वाली जो सहायता राशि 25,000 रुपये दिए जाते थे, इसमें जो महिला जो गरीब परिवार से जो कन्या वगैरह की शादी होती हैं, इसमें जो आर्थिक स्थिति यहाँ पे ख़राब होने के कारण यहाँ पे जो दी जाने वाली जो राशि है लगभग इसमें 25,000 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन उसी को बजट में इस बार बढ़ाकर लगभग 25 से डबल जस्ट 50,000 यहाँ पे बजट को प्रस्तुत किया, तो 50,000 का रुपये देने की घोषणा की गई है। तो इसको
याद रखिए, तो 25 से बढ़कर आपका 50 हुआ, मतलब डबल कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस जिले में समाधान तुहर द्वार शिविर का आयोजन किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन आपके बालोद में किया जा रहा है, बालोद जिला में, याद रखिएगा। तो इसका आयोजन आपके छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समाधान तुहर शिविर आयोजन क्या है, ये समझते हैं। तो ये जो समाधान तुहर जो द्वार जो शिविर है आपके, खास करके बालोद जिले में इसका स्टार्ट किया गया। इस जो समाधान द्वार शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ग्रामीण अंचल में, इसका उद्देश्य यही कि ग्रामीण अंचल में इसको जल्द जल्द जितना भी जगह कोई भी समस्या है गांव में, चाहे पानी को लेकर कोई भी समस्या हो इसमें, तो इसको तुरंत इसको समाधान करेगी जो आपके जिला में आप जो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो, SDM, सभी यहाँ पे जाके समाधान तो हर द्वार शिविर में SDM, तहसीलदार, सभी जो अधिकारी हैं यहाँ पे जाके इसका तुरंत निवारण करेंगे। तो इसी समाधान तो हर द्वार योजना का आयोजन किया जा रहा है आपके बालोद जिले में, स्टार्ट किया है, तो इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा बालोद जिले में, तो इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किसे दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सूरज शक्ति सम्मान दिया जाएगा? तो अंजिता गुपेश साहू, याद रखिएगा। तो इनको राष्ट्रपति द्वारा, हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, हमारे नए राष्ट्रपति, इनको द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो स्वच्छ सूरज शक्ति जो सम्मान दिया जाएगा आपके अंजिता गुपेश साहू को, कौन से कार्य के लिए? तो वाटर वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको दिया जाएगा। कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो आपके दुर्ग के रहने वाले हैं अंजिता गोपेश साहू, दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सूरज शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है तीसरे स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। तो श्रमिक साक्षरता, तो मतलब ये आपके जो मजदूर साक्षरता के मामले में कौन से मामले में थे थर्ड पोजीशन में है, तो इसको याद रखिएगा, थर्ड पोजीशन में है हमारा छत्तीसगढ़। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य पहला किसान स्कूल किस स्थान में संचालित किया गया है? तो बहराड़ी, याद रखिएगा, आपका बहराड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल यहाँ पे इस स्थान में संचालित किया गया आपके बहराड़ी में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कौन से स्थान पे संचालित किया था, आपके बहराड़ी में इसको संचालित किया गया, तो इसको याद रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिए। जहाँ पे जो किसान मजदूर वगैरह हैं इनको यहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको साक्षर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव महोत्सव, इसका जो आयोजन है भोरम देव महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आपके 19 मार्च से 20 मार्च, तो भोरम देव महोत्सव आपके भोरम देव में यहाँ पे लगेगा। तो इस महोत्सव का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो आपके 19 मार्च से 20 मार्च तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ थाली में छत्तीसगढ़ सरकार ने पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकार जो राज्य अलंकार पुरस्कार देने की घोषणा की, यहाँ किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपके कविता लेखन में इसको दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में थाली में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पवन दीवान, जो संत पवन दीवान हैं, इनके नाम पर जो राज्य आपसे जो हर साल राज्य अलंकार जो पुरस्कार है ये देने जाने की घोषणा है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपके कविता और लेखन से, मतलब कविता और आपके लेखन के क्षेत्र में इसको दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में इसको, तो याद रखिएगा। तो अब पवन दीवान जो संत पवन दीवान हैं इनके ऊपर अब हर साल राज्य अलंकार जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो उनके श्रद्धांजलि में पहुँचे थे आपके पवन दीवान के सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल जी द्वारा, तो उसी दिन से यहाँ पे कविता लेखन के क्षेत्र में हर साल राज्य अलंकार पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। कौन से क्षेत्र में? तो कविता लेखन या साहित्य के क्षेत्र में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस स्थान से उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल के प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? आपके सोंडरा से हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो सोंडरा से आपका
ये जो पांडुवंशी काल के पांडुवंश के शासन काल के जो प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य यहाँ पे बहुत सारे पुरातात्विक भी प्रतिमा मूर्तिकार यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसको याद रखिएगा, पांडुवंशी काल के हैं तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 है ना, 2023-24 में कुल बजट कितने प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्चा किया जाएगा? तो 6.4% याद रखिएगा, 6.4% ये जो डाटा इसको याद रखिएगा। तो आगामी वर्ष के लिए है ना, 2023-24 का डाटा पूछा बोला गया है, तो 2023 और 24 के आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अगले साल के लिए जो बजट का लगभग 6.4% दो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्चा किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके मरीज के देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसको लगभग इसमें खर्चा किया जाएगा मरीजों के लिए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कब से प्रारंभ होगा? तो ये इसका जो प्रारंभ होगा आपका 1 अप्रैल 2023, तो इसको याद रखिएगा। तो ग्रामीण परिवारों में जितने भी ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो उनको सामाजिक आर्थिक जो सर्वे है, मतलब स्वास्थ्य जितने भी समस्या है, ये आपके सामाजिक जो आर्थिक है, मतलब सामाजिक जो ये आपके सर्वे किया जाएगा, क्या क्या समस्या उन पर आपका ये सर्वे किया जाएगा, तो इसका जो सर्वे है 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस स्थान में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो नया रायपुर, याद रखिएगा। तो नया रायपुर को, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में, इस स्थान में नया रायपुर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा, तो इसको याद रखिए कहाँ पे बनेगा, तो नया रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के संबंध चिकित्सालय का नाम किनके नाम पर यहाँ पे किया जाएगा? तो राजमोहन देवी, तो इनके नाम पर किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जिला है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो शासकीय चिकित्सा जो महाविद्यालय है अंबिकापुर में, तो आपके सरगुजा जिले के अंबिकापुर में जो चिकित्सालय का नाम आपके इनके नाम पर रहेगा, तो राजमोहिनी देवी के नाम से इसको जाना जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस जो चिकित्सालय का नाम अब राजमोहिनी देवी के नाम पर किया गया है, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में है चिकित्सालय, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बसंत साहू का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चित्रकला से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो बसंत साहू नाम को याद रखिए, इनका जो संबंध है आपके कौन से क्षेत्र से है, तो चित्रकला से संबंधित चित्रकार है बसंत साहू, चर्चा में थे, तो याद रखिएगा बसंत साहू चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत पुनः वर्ष 2022 में किए गए कार्य के स्काच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है अंगनामा शिक्षा, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के कार्य के लिए आपके यह अंगनामा शिक्षा जो कार्यक्रम के तहत जो पुनः वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को स्काच अवार्ड 2022 में ये आपका जो अवार्ड है प्राप्त हुआ है अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका शिक्षा विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम के तहत मिला है छत्तीसगढ़ को स्काच अवार्ड 2022 के लिए, है ना, इसको याद रखिएगा डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ला हैं, चर्चा में जानते हैं, विनोद कुमार शुक्ला पढ़ भी चुके होंगे। तो विनोद कुमार शुक्ला जी को पेन अमेरिका लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, यह सम्मान जो है कब प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ जो आपके 2 मार्च 2023, तो उसको याद रखें 2 मार्च 2023 को इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के जो कवि कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार हैं विनोद कुमार जी शुक्ला है, नौकर की कमीज सबसे फेमस है, इसको सभी जानते हैं इनकी जो रचना है। तो इनको हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, याद रखिए उपन्यासकार, कवि, हिंदी के कहानीकार, इनको 2022-23 के लिए इनको विनोद कुमार शुक्ला जी को
पेन अमेरिका लिटरेसी अवार्ड्स इनको सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यहाँ जो सम्मान है कब प्रदान किया गया, तो 2 मार्च 2023 को सम्मानित किया, जो ये अवार्ड है आपके अमेरिका पेन अमेरिका जो लिटरेसी अवार्ड है आपके अमेरिका के द्वारा दिया जाए, कौन से कार्य के लिए दिया जाता है, आपके लेखन कार्य साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 एवं सदस्य को कितने रुपये मानदेय जाने की घोषणा की गई है, तो 500 और 750। तो छत्तीसगढ़ में जो स्वावलंबी गौठान है, जो नियमित गौठान की संचालन समिति के जो अध्यक्ष को यहाँ पे 750 रुपये दिया जाएगा, और उसके जो सदस्य हैं इनको कितने रुपये मानदेय दिया जाएगा, तो इनको 500 रुपये दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो आपका रायपुर जिला फर्स्ट पोजीशन में, इसको याद रखिए। तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग लेने में, याद रखिएगा, ये आपका इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर ड्राइविंग अगर इसमें सिखाते हैं तो इसी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ को जो आपका रायपुर जिला इससे फर्स्ट पोजीशन में आए, मतलब शीर्ष स्थान में है आपका रायपुर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की GDP कितनी फीसदी है, जो किस देश की GDP से 1% ज़्यादा है, तो 8%, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, तो एक साल में जितनी भी आय होती है यही जो आपका GDP कहलाती है, तो छत्तीसगढ़ की जो GDP है लगभग 8% जो है आपके यहाँ की, तो इसको याद रखिए, लगभग 8.4% है, तो इसको याद रखिएगा। तो 8.4% GDP हमारे छत्तीसगढ़ की बढ़ी है, तो इसको याद रखिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बने, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के लिए हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, फिर इसका हम फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।